आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शशि कुमार है। आप ये ऑक्सीजन कहाँ से लाते हैं और कैसे पहुँचाते हैं? ऑक्सीजन ये जो छोटे मोटे क्लिनिक थे या फिर जहाँ कहीं भी व्यर्थ पड़ा हुआ था ये सिलेंडर, वैसे जगह को हमने चुना और वहाँ से अपने खुद चलकर जाकर उनसे रिक्वेस्ट किया और उनसे फिर हमने सिलेंडर मांगा। कुछ उनसे सिक्योरिटी मनी के तौर पे उन्हें कुछ अपना पैसा भी दिया और उनको पैसा देने के बाद हमने सारे सिलेंडर को अपने जगह जो हम लोग का घर है। आप सिलेंडर देख सकते हैं, ये स्कूटी से प्रतिदिन रोज निकलते हैं और लोगों तक सिलेंडर पहुँचाते हैं। आप ये बताएँ कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए सर, बात ऐसा है कि मेरे नंबर पे कुछ लोगों का फ़ोन आया तो उनका बस एक ही कहनाम था और एक ही चीख आती थी फ़ोन पे कि शशि मुझे एक सिलेंडर अगर दे दोगे आप या मुझे व्यवस्था करवा दोगे तो मेरे पापा बच जाएंगे, कोई बोलता था मेरा भाई बच जाएगा, कोई बोलता था मेरी माँ बच जाएगी। तो हमको बस यही लगा कि सिलेंडर की किल्लत की वजह से अगर कुछ लोगों की जान जा रही है या बहुत से लोग मर जा रहे हैं तो हमसे जितना यथासंभव हो सके हम इसमें अगर अपना जी जान लगा दें और सिलेंडर मुहैया करवा दें लोगों तक तो काश किसी का घर बच जाएगा। शशि, आप पेशे से स्टूडेंट हैं, आप इतना पैसा कहाँ से लाए कि आप लोगों तक ये सहायता पहुँचा पाएँ? सर, बात ऐसा है कि जितना हम सक्षम थे, जितना करने में सक्षम थे ना, हम उतना ही तक किए। ज़्यादा मेरे पास भी पैसा नहीं, मैं भी मिडिल क्लास का फैमिली का एक लड़का हूँ, कोई खास मेरा बड़ा परिवार से मैं बिलोंग नहीं करता, लेकिन जो भी मेरा अपना खुद का पैकेट खर्चा था उससे मैं लगाया और कुछ अलग से इंतजाम भी हुआ, कुछ लोग निःशुल्क भी हमें दे दिए मेरी इस सेवा भाव को देखते हुए कि लो तुम मदद कर रहे, तो उन्होंने भी निःशुल्क भी कितने लोग ने मुझे सिलेंडर दे दिया। शशि, आप ये बताएं कि आप कितने दिनों से ये लोगों तक सेवा पहुँचा रहे हैं? ये काम पिछले 21 तारीख से, मेरा नंबर शायद किन्हीं ने सोशल मीडिया पे वायरल किया कि शशि कुमार हैं जो आपको ऑक्सीजन के लिए हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लोगों को बता चुका था पहले ही आस पड़ोस में और कुछ दोस्तों को भी बताया था कि ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन के चलते अगर किसी का जान जा रहा है तो इसमें हम लोग एकजुट होकर और व्यवस्था करें और लोगों तक पहुँचाने का काम करें। तो शशि, अगर अभी किसी लोगों को आपकी ज़रूरत हो तो क्या आप नंबर अपना दे सकते हैं ताकि लोग आपसे मिलें और आपसे ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत हो तो मांगे? मैं आज भी आपके इस चैनल के माध्यम से मैं खुलेआम अपने नंबर को वायरल करना चाहता हूं कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो ये शशि कुमार आपके लिए हाजिर रहेगा। एम्बुलेंस चाहिए हो, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए हो या फिर आपको हॉस्पिटल में किसी तरह का दिक्कत हो तो वहाँ खुद मैं पहुँचता हूँ और अपने कुछ लोग के साथ में भी पहुँचता हूँ जो कि मदद कर सके। साथ में पहुँचने का मतलब है कि कुछ मेडिकल टीम होते हैं हमारे, वो पहुँचते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको इस चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि नंबर आप एक बार जरूर नोट कर लें, 7992402567। तो एक बात शशि, आपने नंबर भी दे दिया, लोगों तक आप सहायता पहुँचा रहे हैं। तो ये जो सिलेंडर है, अभी भी आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, अभी फ़िलहाल एक महिला हैं जिनके पति घर में ही, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है तो एक उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, लेकिन फिर भी वो बैकअप के लिए उनका सिलेंडर छोटा वाला ही है, लेकिन वो सिलेंडर में ऑक्सीजन कम होते जा रहा है चूँकि यूज लगातार हो रहा। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि शशि हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम अकेले हैं, छोटे बच्चे को छोड़ कर निकल नहीं सकते, घर में एक पेशेंट है। तो मैंने कहा आप टेंशन ना लो, मैं आता हूँ आपके पास सिलेंडर लेकर। तो अभी फ़िलहाल हम गोला रोड में जा रहे हैं सिलेंडर लेकर। शुक्रिया। तो आपने सुना कि एक तरफ जब सरकार नाकाम हो जाती है तो ऐसे लोग सामने आते हैं जो मसीहा बनकर जनता की सेवा करते हैं। आपने देखा कि ऑक्सीजन ये खुद जा रहे हैं एक महिला के पास पहुंचाने जिनके घर में कोई है नहीं और वो खुद असमर्थ हैं, और इन्होंने अपना नंबर भी लोगों तक बताया है कि अगर किन्हीं को भी ज़रूरत हो तो ज़रूर शशि से बात करें। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, TTV भारत, पटना।